सुप्रभात, नमस्कार। परमपिता परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया, उस प्रभु को का शुक्राना करेंगे, नमस्कार करेंगे, धन्यवाद करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्राणायाम शुरू करेंगे। दाहिने हाथ को इस्तेमाल करेंगे, कमर सीधी रखेंगे। सबसे पहले अंदर की वायु को, गंदी वायु को बाहर निकालेंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को, राइट वाली नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से वायु को बाहर छोड़ देंगे। बाहर यह कुंभक बाहर बंद करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता दाई नासिका से शुद्ध वायु को अंदर भरेंगे, अंदर बंद करेंगे आंतरिक कुंभक। अब आहिस्ता आहिस्ता बाई नासिका से वायु को बाहर छोड़ देंगे। बाहर छोड़ते ही आंखों को बंद कर लेंगे, हाथ को हटा देंगे। दो चार श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए। दूसरा राउंड चल रहा है। राइट नोस्ट्रिल को राइट हैंड के थंब से बंद करेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। बाहर बंद करेंगे, राइट से भरेंगे, अंदर बंद करेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ देंगे। हाथ को हटा लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। दो चार श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए। अब लेफ्ट नासिका को बाएं हाथ की उंगलों से बंद करेंगे, राइट से छोड़ देंगे। बाहर बंद करेंगे, बाएं से अंदर भरेंगे, अंदर रोकेंगे, दाएं से छोड़ देंगे। अब दाई नासिका को अंगूठे की सहायता से बंद करेंगे, बाएं से छोड़ देंगे, बाहर बंद करेंगे। अब दाई नासिका से वायु को अंदर भरेंगे, बाई नासिका से बाहर छोड़ देंगे। हाथ को हटा लेंगे। दो चार श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए। बाईं नासिका को बंद करेंगे, दाईं से बाहर छोड़ेंगे वायु को। बाहर बंद करेंगे, बाईं नासिका से अंदर भरेंगे, अंदर रोकेंगे, दाईं नासिका से बाहर छोड़ेंगे। हाथ को हटा लीजिए। अब लंबे गहरे श्वास लेने शुरू करें। लंबा श्वास खींच के अंदर ले जाएं, थोड़ी देर रोक लें, फिर छोड़िए, फिर बाहर रोकें, फिर श्वास भरें, फिर अंदर रोकें, बिना हाथ उठाए, बिना हाथ लगाए अपने आप दोनों नासिका से, फिर श्वास को बाहर छोड़ें, फिर बाहर रोकें,
फिर श्वास को अंदर ले जाएं, फिर अंदर रोकें, फिर श्वास को बाहर ले जाएं, बाहर रोकें, फिर श्वास को अंदर ले जाएं, अंदर रोकें, फिर श्वास को बाहर ले जाएं, बाहर रोकें, फिर श्वास को देखिए, फिर अपनी अवस्था को देखिए। मैं विचार शून्य हूँ या मेरे को श्वास दिखाई दे रहा है, मेरे को अंधेरा दिखाई दे रहा है आँखें बंद करने के बाद। जो भी दिखता है उसी को देखिए, अंधेरा दिखता है तो अंधेरे को देखिए। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मसलेंगे, रगड़ेंगे, जो उष्णता पैदा हुई उसको चेहरे पे, आँखों पे, मस्तिष्क पे, पूरे शरीर पे धारण करोगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँखों को खोल देंगे। आप में से कितनों को शांति का अनुभव हुआ, हाथ खड़ा करें। लगभग 100% रिजल्ट है। कितना आनंद है, कितनी शांति है, सिर्फ 10-15 मिनट सुबह के। अगर 15 मिनट इसमें लगा दिए जाएं तो आपका पूरा दिन शांति से निकलेगा। किसी के साथ लड़ने का तो मतलब ही नहीं, नेगेटिव बात आने का कोई मतलब नहीं, गुस्सा आने का कोई मतलब नहीं, कहानी बनाने का कोई मतलब नहीं। ये प्रभु से मिलन है। प्रभु बाहर नहीं है, वो अंदर है। ये ऐसा मंत्र है जो सभी संप्रदाय, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों के लिए एक ही है। अंदर की आवाज़, उसको सोहम कहो, उसको ओम कहो, उसको आपका जो दिल करता है वो कहो, जैसी सुनती है वैसी सुनो। 10-15 मिनट इस क्रिया को करने से आपको शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ तीनों मिल जाते हैं। आसन एक, लाभ अनेक। प्लीज रिलैक्स हो जाइए। जिस किसी अंग में थकावट, बनावट, रुकावट है, गिरावट है, वहाँ पर अपना ध्यान और रिलैक्स। बहुत ही बढ़िया, जब कभी घर आए ऑफिस से थके हुए हों 10 मिनट शवासन कर लें, बिल्कुल ताज़ा। ये ध्यान की प्रक्रिया है। अपना अपना ध्यान मेरी आवाज़ के साथ लगाएंगे। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, पूरा शरीर रिलैक्स। जैसे हमने कल बताया, पूरा प्रोग्राम में दो ही शब्द हैं, उपवास और आराम। शवासन के माध्यम से हम शरीर को, मन को पूरा आराम देंगे। ध्यान ले आएंगे दाएं पैर के अंगूठे पर, मन की आँख से दाएं पैर के अंगूठे को देखेंगे। बारी बारी से सारी उंगलियां, तलवा, एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा, दाई टांग पूरी तरह से रिलैक्स। जहां कहीं किसी अंग में थकावट, रुकावट हो, वहां पर थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाएंगे। साथ साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, अब मैं आपके भरोसे और ये दर्द भी आपके भरोसे। दुआ जो दिल से होती है वो बड़ी मंजूर होती है। ये बड़ी मुश्किल है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। अपने प्रति ही आदमी सावधान नहीं है, अपने प्रति ही पॉजिटिव विचार नहीं रखता, इसीलिए रोग हैं। ध्यान ले आएंगे बाएं पैर के अंगूठे पर, बारी बारी से उंगलियां, तलवा, पृष्ठ भाग, एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा, बाई टांग भी रिलैक्स।
बहुत ही सुंदर प्रयास सभी का। ध्यान ले आएंगे दाएं हाथ के अंगूठे पर, मन की आंख से दाएं हाथ का अंगूठा। इस समय आपका ध्यान दाएं हाथ के अंगूठे पर, बारी बारी से उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, दाई बाजू भी रिलैक्स। ध्यान ले आएंगे बाएं हाथ के अंगूठे पर, बारी बारी से उंगलियां, हथेली, पृष्ठ भाग, कलाई, कोहनी, कंधा, बाई बाजू भी रिलैक्स। ध्यान ले आएंगे अपने सुंदर चेहरे पर, दुनिया में सबसे सुंदर चेहरा, हर एक का अपना सबसे सुंदर चेहरा। प्रभु जब भी किसी को धरती पर भेजते हैं, कान में कह के भेजते हैं, तुम्हारे से सुंदर मैंने किसी को नहीं बनाया। बहुत ही सुंदर चेहरा। अब हम शरीर के उस भाग पर ध्यान लाएंगे जो फर्श को छूता हुआ, सीट पर छूता हुआ, क्योंकि सबसे मुश्किल काम कमर को रिलैक्स करना। पूरे प्रयास के साथ, पूरे होश के साथ कमर को रिलैक्स करेंगे, उस पोर्शन को और रिलैक्स करेंगे जो धरती को छू रहा है। बहुत ही सुंदर प्रयास और रिलैक्स। अभी हमने बाह्य रूप से पूरे शरीर को अवलोकन किया, ऊपर से देखेंगे शरीर को, दाएं से, बाएं से, नीचे से, आगे से, पीछे से, हर तरफ से रिलैक्स। बाह्य रूप से शरीर रिलैक्स। ध्यान ले आएंगे अपनी श्वासों पर, आती जाती सांस को देखेंगे, श्वासों पर सवार होते हुए शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे। ध्यान ले आएंगे मन की पावर अनेक, जहां आप सोचते हैं वहीं पर आपका ध्यान चला जाता है। ध्यान ले आएंगे अपने मस्तिष्क पर, जब से पैदा हुआ है, जब से हमारे साथ रहेगा, पूरे शरीर का नियंत्रण मस्तिष्क पर, मस्तिष्क शांत होता हुआ। ध्यान ले आएंगे छाती के नीचे बाईं तरफ हृदय संस्थान पर, हृदय संस्थान सुचारू रूप से लगा हुआ, पूरे शरीर को प्योरिफाइड ब्लड सप्लाई करने में बहुत ही सुंदर प्रयास। सब हृदय संस्थान रिलैक्स। छाती के दाएं बाएं फेफड़े को मन की आंख से देखेंगे, जिस भी अंग में कोई रुकावट, बनावट या कोई तकलीफ है, वहां पर थोड़ी देर स्पेशल रुक के उस अंग को अपनी ऊर्जा देंगे। ऊर्जा देने से अंग खुश हो जाता है और सुचारू रूप से काम करने लगता है और हम पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। दाई साइड में गुर्दा, दायां, बाई साइड में बायां गुर्दा, दाई साइड में लीवर, शरीर के सारे अंगों को मन की आंख से देखेंगे। मन की आंख से देखेंगे पूरे शरीर का अस्थि पिंजर, उस पर टिकी हुई मांसपेशियां, उनमें बहता हुआ रक्त प्रवाह, अंदर से पूरे शरीर को कर दिया रिलैक्स। बहुत ही बढ़िया प्रयास। अब पुनः ले आएंगे ध्यान श्वासों पर, हर आती जाती सांस के साथ मन में विचार लाएंगे, श्वास अंदर आ रही है तो सारे ईश्वरीय गुण, पवित्रता, सुंदरता, स्वस्थता, मुस्कुराहट मेरे अंदर जाती हुई, हर बाहर जाती सांस के साथ मेरे सारे विकार, मेरी सारी रुकावट, मेरी सारी बीमारियां एक एक करके हर बाहर जाती सांस के साथ बाहर जा रही हैं। बहुत ही बढ़िया प्रयास। 10 सांसों को देखेंगे, गहरी लंबी सांस, सांस आ रही है तो आ रही है, जा रही है तो जा रही है, सहयोग करेंगे प्रकृति का, आप इसमें कुछ नहीं कर रहे, ये हो रहा है सब, सांस अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, आप एक विटनेस हैं इसके, दृष्टा हैं, साक्षी हैं। बस साक्षी को ही भगवान कहते हैं। आपने हर समस्या का साक्षी भाव से निपटारा करना है, समझदारी के बाद साक्षी, साक्षी ही केवल समझदार है। आती जाती सांस पर पूरा ध्यान, आपका ध्यान नासिका पर, पूरा शरीर शांत, मन शांत, शरीर शांत, शांत। बहुत ही बढ़िया प्रयास। 5 सांसें और गिनेंगे, आती जाती सांस को देखेंगे, सांस आ रही है तो आ रही है, जा रही है तो जा रही है, सांस निर्मल सांस। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। सांसों के माध्यम से मन को निर्मल करते हुए बहुत ही सुंदर प्रयास। भरेंगे गहरा लंबा सांस, दोनों हाथ ले जाएंगे सिर की ओर, खींचेंगे हाथों को ऊपर की ओर, पैरों को नीचे की ओर, बढ़ाएंगे कमर की लंबाई, सांस छोड़ते हुए बाईं करवट लेते हुए उठ के बैठेंगे।
बाई करवट लेते हुए उठ के बैठेंगे, दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और इस प्रकार जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, दुनिया की सबसे सुंदर क्रीम प्रभु का प्रसाद, जहां कहीं भी रोग है पहले उस अंग को छुएंगे अपनी इस एनर्जी से, आप उस अंग को एनर्जी देते हुए बहुत ही जल्दी आप स्वस्थ और पूर्णता की ओर नित्य प्रतिदिन अभ्यास करें। नेचुरल लाइफस्टाइल द्वारा 4 डेज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स बी योर ऑन डॉक्टर का आयोजन किया जाता है, जिसमें आप इस जीवन शैली को अपनाकर अपने अधिकतर रोगों से मुक्त हो सकते हैं और इसका आश्चर्यचकित लाभ केवल 4 दिनों में ही अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अपने लिए निकालिए जीवन के केवल 4 दिन। कोर्स की विशेषताएँ, आचार्य श्री मोहन गुप्ता जी और नेचुरल लाइफस्टाइल की टीम के साथ रहने का मौका, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए भोजन का रसास्वादन, टोना, पट्टी, स्पाइनल टब बात, सन बात, प्राणायाम इत्यादि का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप काउंसलिंग द्वारा तनाव मुक्त एवं प्रसन्न चित्त जीवन। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक हमारी निशुल्क कक्षा में भाग लें। निशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री, पेट की पट्टी, DVD, MP3, एनिमा, स्पाइनल बाथ टब इत्यादि के लिए संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफ स्टाइल, H32/22, Sector 3, रोहिणी, नियर विश्राम चौक, दिल्ली 110085। हमारे फोन नंबर हैं 011-2751-0771, 09953722272।